यूपी के बुलंदशहर में लड़की अपहरण मामले में पिता और मामा को गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं पूरे मामले को, पहले पिता को सुनते हैं, उसके बाद पुलिस इस पर क्या कहती है। लड़की वो रोहित नाम का लड़का ले गया था, मैंने FI दर्ज करा दी। लड़की वो डर के मारे छुपा कर वो रखी थी, वो उसे मारने की धमकी थी, फिर मैंने वो छुपा लिया कैसे करके जी। अब वो लड़की रही उसके साथ, मैंने FI दर्ज कराई थी बाद में जी। जब लड़की जब वहाँ से लापता हो, फिर लापता पर वो मिली मेरे ससुराल, लड़की बोले कि जी मेरे बाल आल काट दिए ऐसे, वो मतलब सब लोग कुछ ही करके उसको नहीं किया, वो बाहर निकाल दिए। अब वो लड़की डर के मारे या कैसे मेरे से कही कि मुझे छुपा के रखा। अब ये लड़की जाने मैं फिर उसी में वहाँ छोड़ा, फिर मैं मिनकी जब कुछ कागजात मिल गया इसको तो वहाँ छोड़ने गया। मतलब लड़की उठी तो उन्होंने मुझ पर फ़ोन कर दिया, मैं जो है वहाँ गया। लड़की की तुम्हें पता थी, तुमने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? लड़की तुम्हें पता है कि तुम्हारे ससुराल में है, तो पुलिस को क्यों नहीं बताया कि लड़की मेरे ससुराल में? लड़की डरी हुई थी, उसके बाल बाल काट दिए थे सर। क्या नाम है तुम्हारा? धूरेलाल। पुलिस के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और 3-4 निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाया गया। उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी को भूरेलाल नाम के व्यक्ति हैं जो उतरावली अहमदगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी बेटी को एक सुनियोजित साजिश के तहत उसके ननिहाल में ले जाकर छुपा दिया और अपने गांव के रोहित, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई को मुलजिम बनाते हुए 366 IPC का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, काफ़ी प्रयास के बावजूद पुलिस को बात समझ में आई कि किसी भी रूप में नामित अभियुक्तों का इस घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके बाद पुलिस के शक की सुई वादी के ऊपर गई और इनकी रिश्तेदारियों में और जगह सूचना संकलन का कार्य किया गया तो लड़की बरामद कर ली गई। लड़की को काफ़ी दिनों तक उसके मामा के यहाँ हदुआगंज में रखा गया था, फिर दूसरी रिश्तेदारी में रखा गया और इनकी कोशिश थी कि अपने पड़ोसियों को फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेजा जाए, तो इस संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके वादी को ही जेल भेजा जा रहा है, भूरेलाल और उनके लक्ष्मी को, और इस तरह से निर्दोष लोगों का बचाव किया गया है और जो वादी जो फर्जी अभियोग के सहारे पड़ोसी को जेल भेजना चाहता था उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।